ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस 1 घंटे का रास्ता है तो हम जल्दी से ही पहुंच जाएंगे और फिर मैं आपको वहां पहुंचकर दिखाऊंगी कि मैं कहां जा रही हूं। क्लोज टू आर डेस्टिनेशन, ये मेन गेट दिख रहा है, अब काफी अंदर है इसके गाइस, सेकंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। और हम जा रहे हैं आयु रावतपुरा सरकार, रावतपुरा मंदिर, कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है इस वजह से हम लोग आए हैं। मैं बहुत छोटी थी तब जगह की, तो ग्रीनरी है और इतना अच्छा है ना, और हमारे घर पास में ही जगह ग्रीनरी, 1 घंटे में हम लोग आ गए हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये है जय विजय विष्णु जी के द्वारपाल हैं, यहाँ से शुरू होता है एंट्रेंस हमारा, उसके पहले गणपति जी, फिर ये जय विजय हैं जो कि द्वारपाल थे विष्णु जी के, अब यहाँ से शुरू होता है रावतपुरा सरकार। तो गाइस दिस इज योर दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास ब्लॉग स्मॉल टाउन गर्ल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। इट विल बी रियली 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 हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतना फास्ट फास्ट क्यों भाग रहा है, तो ये वीडियो फास्ट इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये पार्ट 1 है। तो थोड़ा सा पार्ट 1 को इन्जॉय कर लेते हैं, जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके पहले पार्ट 1 चेक कर ले, तभी उन्हें समझ आएगा कि पार्ट 1 में हम कहाँ आए हैं घूमने। सो देन वी स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट। Here is start of our second part. Now you guys enjoy second part of our family trip. Guys, here is the second part of our family trip. So, अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सेकेंड हम कहाँ घूमने आए हैं और क्यों आए हैं। सो पहले फर्स्ट पार्ट चेक करें, देन सेकेंड पार्ट को इन्जॉय करें। मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी आप लोग के लिए, फर्स्ट पार्ट को इन्जॉय करें। सो यहाँ पे तालाब है और तालाब में हम लोग मछलियाँ देख रहे हैं और वो वहाँ पे मछलियाँ दिख भी रही हैं गाइस। तो बहुत सारी मछलियाँ हैं इस तालाब में, अटक डालो ना तो आती हैं खाने को। अरे यहाँ पे भगवान जी, बहुत सारे भगवान जी बने हैं गाइस, यहाँ पे सारे भगवान जी हैं। एट लास्ट आपको सारे ही भगवान जी दिख जाएंगे। और यहाँ पे रामचंद्र जी और सीता जी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब इतने अच्छे से ना बना है मंदिर, बहुत मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। मैं मतलब कितनी जालियाँ वगैरह कितनी अच्छे से बनाया गया है ये मंदिर। भैया कैसी जगह है, कैसा लग रहा है आपको इधर आके? मुझे सोनी कुड़ी नू मजा आ रहा है, सोनी कुड़ी नू मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वाओ ये कौन से भगवान जी, शंकर जी? इस परी को तो बहुत मजा आई क्योंकि वो दौड़ रही थी और खेल रही थी तो उसे बहुत मजा आ रहा था। और ना गाइस बहुत ज़्यादा नेचर वाली जगह है तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांति मिल रही थी। तो आप लोग जरूर जाइएगा रावतपुरा, काफ़ी अच्छा बन गया है पहले से। तो गाइस मंदिर अभी बंद हो चुका है क्योंकि अभी 3 बज चुकी है। सो अभी हम लोग बाद में दर्शन करेंगे मंदिर खुलने के बाद। आप देखो कितनी सुंदर जगह है गाइस। सो गाइस यहाँ देखो खाली है, भगवान जी बैठे नहीं है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे भगवान जी, अभी खाली पड़ा है यहाँ पे।
थैंक यू सो मच गाइस फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। गाइस इतना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी गीली है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है गीली घास में सब। सनलाइट भी आ रही है धीरे धीरे, इट्स सो गुड, आई फील सो गुड, बहुत ही अच्छी जगह है। सो गाइस बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ना कब, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। न्यू ईयर पे तो यहाँ पे काफी भीड़ लगती है, इसलिए हम लोग पहले से घूम के आ रहे हैं। तो न्यू ईयर पे आप लोग आओ घूमने भोले बाबा, तो सच में गाइस इतने प्यारे, मेरा मन नहीं कर रहा है उनको छोड़ने का। और अब मैं लास्ट में एक बार फिर से जाऊंगी उनसे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पूरा दिन हम लोग काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पे, तो पूरा दिन चाहिए यहाँ घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। गाइस आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत टाइम बाद घूम आई, बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम लविंग इट। तो गाइस अब हम लोग ना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे हम लोग बैठ के ना खाने वाले हैं खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और टाइम क्या हो चुका है गाइस, 3 बज गए 3। अब सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ के, पूरी सब्जी ने खाना खा लिया है। खाना कैसा था? अच्छा, यमी। सुजी जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा कैसे लगे? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, दीदी को ठंडी लग, ठंडी हो गई है, शाम हो गई है, मैंने जैकेट डाल ली और दीदी स्वेटर अपना कार में रख के आई है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए हैं। सभी यहाँ कैंटीन में बैठे हुए हैं और भाई यहाँ पे मिठाई ले रहा है भगवान जी की चढ़ाने के लिए, यार सेटिंग है और हो गई है, तो फाउंटेन भी चलने लगा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और बहुत सारी मस्ती की। आप लोगों ने ये कहा कि आपने इतने अच्छे भोले बाबा दिखाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना प्यार देते हैं तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ ब्लॉग करूँगी और आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक। ये इच्छा का काम अब हम कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हम लोग मंदिर की। गाइस हम लोग का परिक्रमा लगा रहे हैं, हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, दीक्षा का काम आज हम लोग कर रहे हैं। ओके, दीक्षा घूम रही है, दीक्षा परी को देख रही, परी रो रही थी बहुत, तो दीक्षा परी के पास बैठी है, तो हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। सो गाइस मम्मा ब्लॉगिंग कर रही थी और मेरी बिचिंग भी चल रही थी पीछे से कि मैं कैसे कहती हूँ, तो यस मैं ऐसे ही कहती हूँ। सो गाइस मम्मा ब्लॉगिंग कर रही थी, एक्चुअली मैं परी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और ये माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, परी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इधर जा रही थी उधर जा रही थी, तो मैं और दीदी परी को देख रहे थे, इस वजह से मैंने कहा मैं बाद में दर्शन कर लूँगी, और भैया और मम्मा ब्लॉगिंग करने लगे कैमरा लेके मुझसे। सो ये है हमारा सेकेंड पार्ट, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग। और ये भगवान जी हैं, ये कौन से भगवान जी हैं पता नहीं, भैया ये दिखा रहे हैं, ये बद्री विशाल जी भगवान हैं, और यहाँ पे ना सारे भगवान जी हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया सारे भगवान जी हैं यहाँ पे, और तो गाइस यहाँ पे अब आए हैं जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथपुरी में है ना, ये वही जगन्नाथ जी हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे से वस्त्र पहने, कितने सुंदर लग रहे हैं, और अगेन भोले बाबा यहाँ से भी कितने प्यारे लग रहे हैं, सच में गाइस यहाँ से भी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत मज़ा आया सच में, बहुत
लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट ट्रिप थी हम लोगों के साथ में, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने और आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। सो गाइस लास्ट में बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स और हमारी घर वापस आने की बहुत सारी मस्ती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए जल्दी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब तो बनता है। हाँ जी, और ये यहाँ पे मैं कैमरा लेके दौड़ने लगी थी और पहले तो ये गणपति जी हैं यहाँ पे और ये दो मूषक बने हुए हैं यानी कि चूहे हैं दो, और गणपति जी रिफ्लेक्शन पड़ रहा था कांच पे पेड़ों का इस वजह से नहीं दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे बहुत सारी सिबलिंग बनी हुई हैं और साथ में नादिया बाबा भी हैं, तो बहुत सारी सिबलिंग और नादिया बाबा मंदिर में बहुत सारे हैं, ये लाइन से बने हुए हैं और बहुत सारे मंदिर खाली भी हैं गाइस, तो आई थिंक वहाँ पे शायद सिबलिंग नादिया बाबा या जो भी भगवान जल्दी से भगवान जी वहाँ पे विराजमान होंगे तो मंदिर और भी अच्छा बन जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारी ये फैमिली ट्रिप कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताना ज़रूर, और बहुत सारे लोग मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कंटिन्यू कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू सो मच उनको जो मेरे हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस, कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है, लोग रिप्लाई करते हैं, मैं जो पूछती हूँ वो बताते हैं तो अच्छा लगता है। और ये यहाँ अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं, दर्शन हो गए हैं, अब हम भी रेडी टू बैक होम। भोले बाबा कैसे लगे, बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जब ठाकुर के हाथ लग रहा है पीछे से।